कप में आपके सामने हुआ, ठीक था यार एशिया कप तक चले छोड़े, लेकिन वर्ल्ड कप में उन्होंने किया क्या है? 192 का टारगेट, नहीं ये पागल है हमारी पाकिस्तानी उम्मीद, मतलब आपसे पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें लगाने के। ये उनके जूते के बराबर भी नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास बने हुए हैं, ये गली के लोगों के साथ भी खेल के नहीं जीत सकते। 8वीं बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इंडिया ने जो शिकस्त दे दी है, और एक शर्मनाक जो शिकस्त पाकिस्तान के गले में इंडिया ने डाल दी है अहमदाबाद में। आज पाकिस्तान की टीम में एक फियर दिखाई दी है, एक डर दिखाई दी है, खौफ दिखाई दी है कि ऐसे जैसे कि आप कोई, आपने कोई जुर्म किया हुआ है और आप किसी के सामने किसी की चोरी करके भागे हो और वो बंदा सामने आ गया और आपके हाथ पांव कांप रहे हो। इतना डर के पाकिस्तान खेल रहा था, इतना डरपोक पाकिस्तान नजर आ रहा था, बुजदिल अप्रोच थी पाकिस्तान की कि कहीं से आपने देखा हो इतना बड़ा क्लैश आज तक मैंने नहीं देखा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर हुआ जो पाकिस्तान ने किया। साफ पता चल रहा है, ये साफ शो करता है कि ये फियर है। क्या हुआ इंडिया से तो आ रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया? तो इंडिया से तो आ रहे हैं, यही तो बात है कि इंडिया से श्रीलंका से क्यों जीते हैं फिर? वहां तो बड़ा रिजवान है, छक्के पे छक्का, अब्दुल्ला खान जबरदस्त, रिजवान जबरदस्त, और इंडिया के साथ क्या मसला क्या हो जाता है इनको, मुझे खुद नहीं पता हो जाता कापेट आ जाता। ये देखें अभी ये मैंने शर्ट पहनी है, देखें कैप लिया, इसके पैसे नहीं पूरे हुए। जय हिंद दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका हिंदुस्तान टॉप चैनल पर। दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हरा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पूरी पागल हो गई है। पाक मीडिया पाकिस्तानी टीम को कह रही है कि कुछ तो शर्म करो, ऐसे कौन हारता है जिस तरह से तुम्हें इंडिया ने हराया है। पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तानियों को जरा भी शर्म नहीं आई इस तरह की हार पर। वहीं भारतीय टीम की जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ बल्लेबाजी भी लाजवाब रही, जिसकी वजह से इंडिया ने यह मैच आसानी से जीत लिया है। इस हार से पाकिस्तानी पब्लिक पूरी तरह से गुस्सा हो गई है और अपने खिलाड़ियों से कह रही है कि तो थोड़ी तो शर्म कर लो, जरा भी लड़े नहीं और मैच हार गए। इस जीत के साथ ही भारत ने वर्ल्ड कप में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ 8वीं जीत दर्ज कर ली है। बहुत सारे पाकिस्तानी ये बात बोल रहे थे कि भाई अगर ये मैच पाकिस्तान हिंदुस्तान से हार गया ना तो हम कभी जिंदगी में मैच नहीं देखेंगे, हम क्रिकेट देखना छोड़ देंगे। पाकिस्तानी अपनी बात पे खड़े रहना, आप मैच देखना छोड़ देना, क्रिकेट मत देखना, मन उठ गई मुझे घर जाना है। बांग्लादेशियों को बुलाओ यार, कोई तकलीफ हो रही है। क्या हालात है, अब भी ठीक है? अभी भी आप ना ही पूछे हालात, इससे पहले ये जितने भी कैमरे लगे आपका बचा के, क्योंकि यहाँ मैं आ रही हूँ, मैं सारे तोड़ देने, इतने गुस्से में आज मैं आई हूँ यहाँ पे। क्यों, क्या हुआ है? आपको नहीं पता क्या हुआ है, माँ बहन एक हो गई है, यही बात है। मतलब कि उनको कुछ, मतलब एशिया कप आपके सामने हुआ, ठीक था यार एशिया कप तक चले छोड़े, लेकिन वर्ल्ड कप में उन्होंने किया क्या है? 192 का टारगेट, नहीं ये पागल है हमारी पाकिस्तानी उम्मीद, मतलब आपसे पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें लगाने की जरूरत ही कोई नहीं। क्या हुआ इंडिया से तो आ रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया? तो इंडिया से तो आ रहे हैं, यही तो बात है कि इंडिया से श्रीलंका से क्यों जीते हैं फिर? वहां तो बड़ा रिजवान है, छक्के पे छक्का, अब्दुल्ला खान जबरदस्त, रिजवान जबरदस्त, और इंडिया के साथ क्या मसला क्या हो जाता है इनको, मुझे खुद नहीं पता हो जाता कापेट आ जाता। ये देखें अभी ये मैंने शर्ट पहनी है, देखें कैप लिया, इसके पैसे नहीं पूरे हुए, मुझे बताएं अब मैं क्या कहूँ? मतलब आप मुझे बताएं कि उनके जो प्लेयर्स हैं, आप उनके कैप्टन को देख लें, उन्होंने कैसे 84 रन्स की जो इनिंग्स खेली, क्या कहना चाहेंगे? अप्रिशिएटेबल है? नहीं देखें, हार जीत वो लक की बात होती है, वो होता रहता है। पाकिस्तान जीता तो इंडिया हारता है, जैसे कि अब हम हार गए तो इंडिया जीते। उनकी बहुत टीम बहुत अच्छी है, विराट कोहली, रोहित शर्मा बेस्ट बेस्ट प्लेयर है, बहुत अच्छा उन्होंने खेला। उन्होंने तो मतलब कि कहते ना उनके सामने बच्चे आ गए, तो वाकई था टीम उनके आगे बच्चे लग रहे थे, ऐसा ही फील हो रहा था कि वो तो कुछ समझ नहीं, आपको आते साथ उन्होंने क्या किया, छक्के पे छक्का, चौके पे चौका, वो ऐसे करके नाम स्कूल से, यार शर्मा कुछ है ही नहीं, कोई जोश कोई जज्बा है नहीं, ये तो हम ही पाकिस्तानी आवाम जज्बे लेके आ जाती है इनके लिए, लेकिन होता कुछ नहीं है, बड़े अफसोस से कहना पड़ा है। तो और कहते हैं हमें जज्बा बहुत है, तो इधर आज जज्बा क्यों नहीं काम आया? यही तो बात है कि इंडिया के सामने जज्बा उनका काम आता ही नहीं है, सही बात है। इंडिया के सामने पता नहीं क्यों लूजर क्यों पड़ जाते, मुझे आज तक समझ, देखे एशिया कप में भी इंडिया के साथ हारा और अब देखे श्रीलंका के साथ जीत गया, अब इंडिया के साथ मैच हुआ था, इतनी उम्मीदें थी लेकिन वो हार गया।
बहुत शुक्रिया उनका। अब क्या कह सकेंगे, अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर 7 मैचेस हो चुके हैं, 7 मैचेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मैच हम जीते हैं, बाकी सारे हार गए। तो वो अभी ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि बाप बाप होता है, तो क्या इससे क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, ये बात भी नहीं होती कि बाप बाप होता है, ये तो फिर वो कहते ना लड़ाई वाली बात आ जाएगी, हार जीत होती रहती है, लेकिन वो नहीं, दुख होता नहीं, है नहीं, नहीं। उनका कहने का पर्पस ये है कि क्रिकेट के अंदर हमारा मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता, उनका ये कहना। अब अगर आप देखेंगे, रिसर्च कर लें क्रिकेट के बारे में, वर्ल्ड कप के अंदर जितने भी ओडीआई के हमारे और उनके दरमियान मुकाबले हुए हैं, भाई वो हमसे ज्यादा जीते रहे, तो वो कह नहीं सकते क्या? उनका कहने का हक बनता है, वो कह सकते हैं, लेकिन अगर वो इस तरह ही बोली जाएगा तो पाकिस्तान में भी तो जोश है, कल को अगर पाकिस्तान जीत गई तो फिर जोश में होश को बैठता है। नहीं, पाकिस्तान फिर क्या कहेगी उनको? पाकिस्तान जीते तो सही, और पाकिस्तान जीत जाए फिर क्या दे? लास्ट में फिर भी हम यही कहेंगे, पाकिस्तान तुम जीतो या हारो, अब आगे क्या कहूँ, हम तुम्हारे साथ है, ये कहूँ या फिर बस अब चुप कर जाऊँ? पर मैंने यही कह दिया, हम तुम्हारे साथ है, लेकिन यार प्लीज कुछ एफर्ट किया करें। ऐसा नहीं है कि देखे, मेरी इंडिया में विराट कोहली मेरा फेवरेट है, रोहित मेरा फेवरेट है, लेकिन हमें उम्मीदें पाकिस्तानी की टीम से होती है, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान की जगह में खड़े हैं, तो कम से कम हमारी उम्मीदों में पानी ना फेरा करें, थोड़ी सी एफर्ट कर लिया करें। मैडम मजा आ गया, क्या बात है, मैं कहता हूँ उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा जलील किया है, ऐसा जलील किया कि मैं कहता हूँ क्या ही बात है। मैं तो शुरू पहले दिन से इंडिया के साथ था कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है। देखें पाकिस्तानी टीम जो उधर गई हुई है, उनके प्लेयर्स देखें, इनको प्रोटीन इनकी पूरी नहीं होती, तो इन्होंने मैच जीतने हैं, वो भी इंडिया से। इंडिया इनका बाप है, बाबर आजम का, विराट कोहली बाबर आजम का बाप है, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुझे बड़ा कोई अफसोस नहीं है, कोई कुछ नहीं, बेशक मैं पाकिस्तानी हूँ, जो भी है, पाकिस्तानी नहीं हूँ मैं इंडियन हूँ, ठीक है ना, इंडियन हूँ मैं, मैंने मेरी टीम जीती है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैडम मैं तो पाकिस्तानी टीम को यही कहूँगा, पाकिस्तानी टीम स्पेशली बाबर आजम, तुम ये मेरी बात शायद देख रहे होगे या सुन रहे होगे, तो वापस पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। विराट कोहली जो आपके अबू जान हैं, उनसे थोड़ी सी क्लासेस वगैरह लें, प्री क्लासेस लें उनसे, और फिर ताकि आप हमारी पाकिस्तानी टीम भी जीत सके, अदरवाइज़ तो कोई चक्कर नहीं है, ऐसा नामुमकिन है पाकिस्तान का इंडिया से जीतना। मैडम समझ नहीं आ रही कि आपको पाकिस्तान के हारने पर गुस्सा है या इंडिया के जीतने पर खुशी है? इंडिया के जीतने पर खुशी है मैडम मुझे, पाकिस्तान के हारने पर कोई दुख नहीं है। देखें पाकिस्तानी को जीत भी जाते तो इन्होंने एंड पे हारना ही था, इंडिया अगर अभी जीता तो उन्होंने एंड पे भी जीतना ही, और इंशाल्लाह जीतेगा इंडिया, वर्ल्ड कप विन करके जाएगा इंडिया। आपको पहले से पता था ये मैच इंडिया ही जीतेगा? जी मुझे पहले से पता था, मुझे तो वर्ल्ड कप का पता है, वर्ल्ड कप इंडिया का है। तो आप आज के मैच में सपोर्ट भी इंडिया को कर रहे हैं? जी मैं पहली बॉल से लेके एंड बॉल तक मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा किया, इनके साथ इनको धोया है, मजा आ गया, चस आ गई है। अच्छा तो मैच आपने देखा कहाँ? मैच मैंने ये पीछे कोयटा टी हाउस कैफे है, इसकी अंदर मैं बैठा हुआ था, मैंने स्क्रीन में देखा, और अभी वो आपको ही देख के मैं बाहर आया हूँ। लोगों ने आपको जूते नहीं मारे कि आप पाकिस्तान की बजाय इंडिया को सपोर्ट करें? ओ मैडम इनको क्यों जूते मुझे मार सकता है कोई, है इतना कोई इनको सपोर्ट, मेरे सामने आया कोई इसका सपोर्टर है बाबर आजम का, कोई नसीम शाह जो भी, वसीम शाह जो भी हैं, मुझे तो उनके नाम नहीं सही इतना पता। देखें पाकिस्तानी होगा जिनको अपने प्लेयर्स का नाम ही नहीं पता, तो उनकी टीम की कैसी होएगी? अगर अच्छे जिस तरह विराट कोहली है, बच्चे बच्चे को इंडिया के पता है विराट कोहली है, क्यों? क्योंकि वो जब छक्के मारता है तो लग समझ आती है। बाबर आजम ओडी को देख के साइकोपन करता है सिर्फ, लेकिन उसको खेलने के जाओ तो दो बॉलों पर आउट होकर बैठ जा जाता है। अब वर्ल्ड कप तक आपको लगता है किसके फाइनल तक हमारी टीम जाएगी कि नहीं? ओ नहीं मैडम ये किधर ख्वाब है, ये तो दुआएं ही हैं, दुआएं से भी नहीं इनको फर्क पड़ना, बगैरत हो गए हो यहाँ ये बाबर आजम, तुम तो हो ही बगैरत, ये कुछ भी नहीं कर सकते मैडम, मैं आपको सीरियस बात बार बता रहा हूँ। आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं हमारी टीम? डिसरिस्पेक्ट नहीं मैडम, आप क्या उनको सपोर्ट कर रही हैं? नहीं मैं सपोर्ट नहीं कर रही। नहीं मैडम बनता ही नहीं सपोर्ट करना, सपोर्ट क्या करना है आपने? देखिए अगर बनता है, एक बंदा डिजर्व करता है ना सपोर्ट उसको किया जाए तो फिर समझ आती है, जब एक बंदा डिजर्व ही नहीं करता कि मुझे सपोर्ट करो तो फिर हम क्यों पागल हैं हम उनको सपोर्ट करें? मैडम देखिए मैंने, आप मुझे कह रही हैं कि आप उनको जलील कर रहे हो या इनको इनकी बिस्ती कर रहे हो, तो मैं इनकी कैसी बिस्ती कर रहा हूँ? इन्होंने हमारी पाकिस्तानी आवाम 27 करोड़ जो हमारी आवाम है उनको जलील करा दिया इंडिया के सामने, कि ये लो जी ये तुम्हारी औकात है और ये तुम्हारे प्लेयर्स की औकात है, कि ये लोग हार के हम एक मैच हार गए हैं, इंशाल्लाह आने वाले मैच भी हम हार ही जाएंगे। देखिए मैडम साफ सी बात है, इंडिया इज़ गुड, विराट कोहली बहुत अच्छा लगा, तुम खेले हो, मज़ा आया देख के, तुम्हारी बैटिंग बॉलिंग सारा कुछ बहुत अच्छा लगा, दिल से आई लव। और उनका ये कहना है भाई साहब कि ये जो मैच था ना ये फिक्स मैच था, ये मैच जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फिक्स था भाई साहब, ज़का अशरफ इंडिया में गए और वहां पर जाके उन्होंने ये मैच फिक्स किया और इंडिया से पैसे भी लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम ये मैच जो है वो हार गई है। अरे यार शर्म की भी कोई इंतहा होती है, शर्म क्या होती है वो इनको मालूम नहीं है मेरे ख्याल में, यानी कि क्या घटिया किस्म की ये बातें शुरू हो गई हैं।
अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता अभी ये शोर मचा होता, वाह जी बाबर आजम ने ये उखाड़ लिया, बाबर ने ये वो उखाड़ लिया, बाबर हमारा किंग है भाई साहब। अब पाकिस्तानी टीम बुरी तरह से जलील हो गई है। अब ये जो है ना कि भाई साहब जो है वो गलती जका अशरफ की है, क्योंकि जका अशरफ ने ये मैच फिक्स किया हुआ था, यानी कि अब सारा का सारा कसूर जो है वो जका अशरफ के ऊपर डाल देना है भाई, और बाबर को साइड से जो है वो पिछले दरवाजे से निकाल देना है। अरे यार शर्म से डूब मरने का मुकाम है। इंडिया ने अफगानिस्तान से मैच जीता, तुम लोगों ने ये शोर मचा लिया कि ये मैच जो है फिक्स था, इंडिया ने पैसे दिए हुए थे और ये मैच जो है वो अफगानी खिलाड़ी जो है उन्होंने आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से हारा, ठीक है। अब पाकिस्तान की टीम ये हार गई है मैच, अब आईपीएल का बीच में सीन आ नहीं रहा है, तो तुम लोगों ने ये नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया कि जक्का अशरफ 2011 में भी जो है वो चेयरमैन थे पीसीबी के, पाकिस्तानी टीम मैच हारी थी, फिक्स मैच था, और अब भी जक्का अशरफ पीसीबी का चेयरमैन था भाई, और वो कल इंडिया में गया हुआ था और उसने खिलाड़ियों को फोर्स किया कि तुमने ये मैच हारना है और इंडिया के खिलाफ जानबूझ के तुमने परफॉर्म नहीं किया। सबसे पहले अबे सालो घटिया लोगों, तुम ये शर्म नहीं आ रही कि तुम अपने खिलाड़ियों के इंटेंट पे शक कर रहे हो, यानी कि तुमका तुम्हारा कहने का मकसद यह है कि बाबर आजम ईमानदार नहीं है, रिजवान ईमानदार नहीं है, शादाब नसीम क्या नाम है शाहीन, इन सब ने पैसों की वजह से जानबूझ के मैच हारा। और दूसरी बात है कि यार किसी की जीत डाइजेस्ट क्यों नहीं हो पा रही है, अगर पाकिस्तान जीत जाता तो अपनी मेहनत से जीतता, इंडिया जीत गया तो अब जाओ तुम्हें ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पाकिस्तान अगर जीता होता तुम तारीफ कर रहे होते, अब पाकिस्तान हार गया तो कम से कम यार जो टीम जीती है उसको अप्रिशिएट करो।